नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हंगामा टाइम्स न्यूज कानपुर चचेरी थाना क्षेत्र में, जहां बेटी को ढूंढने के एवज में एक दिव्यांग बुजुर्ग विधवा महिला से पुलिस ने 12,000 रुपए मांगे थे कि गाड़ी में जब डीजल डलवाओगी तभी बेटी को ढूंढेंगे। बेटी को मिलने के बाद छलके दिव्यांग माँ के आंसू और बेटी को अपहरण करने वाले को भेजा गया जेल। आई नजर डालते कानपुर चचेरी थाना क्षेत्र की इस घटना पर। दिव्यांग माँ भीख मांग कर दिए थे 12,000 रुपए, बेटी मिली तो छलके आंसू, किशोरी का अपहरण करने वाला गया जेल। कानपुर के चकेरी में किशोरी के अपहरण के मामले में पुलिस ने गुरुवार को आरोपी रिश्तेदार ठाकुर को जेल भेज दिया। उस पर लगी साजिश रचने की धारा को हटाया गया और अमानत में खयानत की धारा बढ़ाई गई है। किशोरी फिलहाल पुलिस की देखरेख में है। शुक्रवार को मजिस्ट्रेटी बयान होने के बाद किशोरी को उसके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। अगर वो मां के पास नहीं जाना चाहेगी तो नारी निकेतन भेजा जाएगा। चकेरी इंस्पेक्टर दधी बल तिवारी ने बताया कि ठाकुर के अलावा अन्य किसी आरोपी की मामले में भूमिका नहीं मिली है। जांच में पता चला है कि आरोपी ने किशोरी को बहला फुसला कर कुछ जेवरात व पैसे भी मंगवाए थे, इसलिए अमानत में खयानत 406 की धारा बढ़ा दी गई है। प्रकरण में अन्य आरोपियों खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले, लिहाजा साजिश रचने की धारा 120 भी हटा दी गई है। एक महीने से दिव्यांग मां पुलिस कर्मियों के सामने बेटी की तलाश करने के लिए गुहार लगा रही थी। पुलिस वालों ने दिव्यांग मां तक से 12,000 रुपए की वसूली कर ली। जब डीआईजी तक मामला पहुंचा तो दो दरोगा सस्पेंड किए गए और किशोरी की तलाश के लिए 4 टीमें गठित की गईं। इसमें सर्विलांस टीम को भी शामिल किया गया। इंस्पेक्टर दधीबल तिवारी टीमों को लीड कर रहे थे, इसलिए डीआईजी ने टीम को इनाम देने के साथ प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।